बहुत बड़ा मैसेज है, वार्निंग है इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान कि भाई बैटिंग का चाहे फेलियर रहा हो, आपने हार ही नहीं सोची। इनक्रेडिबल, मतलब मुझे समझ नहीं आया। अफगानिस्तान वर स्केयर्ड, कहीं ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा साइन तो नहीं है? अफगानिस्तान ने बहुत डिसअपॉइंट करा, दे वर रियली ऑर्डिनरी टुडे। आपने जो फाइट दिखाई है, सारी चीजें करके दिखाई है, बट ये बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी था। एंड लिटरली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वहां पर हथियार डाल देगी अफगानिस्तान की टीम, लिटरली मैजिकल। आई एम स्केयर्ड नाउ। राशिद खान को हवा भी नहीं लगी भाई, एक्सेप्शनल भाई, एक्सेप्शनल। पाकिस्तान क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। एक ओनली चीज जो तुम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वो अनप्रेडिक्टेबल है, यही चीज आप उनके लिए प्रेडिक्ट कर सकते हो। अफगानिस्तान की बॉलिंग ने पाकिस्तान को 200 पे पैक कर दिया, जो हर बार होने भी नहीं वाला। पाकिस्तान की बैटिंग बहुत ऑर्डिनरी थी आज, लेकिन बार बार बाबर आजम, इमाम, फखर जमान, इतना इन खिलाड़ियों का कैलिबर है, ये एक गलती को रिपीट बार बार नहीं करेंगे कि भाई आपको नहीं पता कि एक मिनट पहले आपको 30-4 दिख रहे हैं, आपको टीम 150-200 पे पैक लग रही है, आपको लग रहा है क्या है ये टीम, इसके बारे में ऐसी बात हो रही है। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हरीश रॉफ, इनको कितना एक्सपीरियंस हो गया क्रिकेट में भाई, ये लेगेसी है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपको देखने को मिल रहा है। नसीम शाह ये 17-18 साल में डेब्यू कर गया था, पता नहीं शायद उससे भी कम। एज वेज का मुझे पसंद नहीं, कुछ मसला होगा, लेकिन ये 19 भाई, जब आपने ऑस्ट्रेलिया में देख रहा था डेविड वॉर्नर को बाउंसर से बीट कर रहा था, मतलब जेन्युइनली आपका ताली बजाने का मन नहीं करता हो तो बताइएगा। इट वॉज प्योर एंटरटेनमेंट, प्योर क्लास, एंड दिस इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट। आपको क्रिकेट को अप्रिशिएट करना चाहिए। अफगानिस्तान की टीम हल्की कोई बात नहीं, इतनी हल्की नहीं है कि आप उनको 50-60 पर पैक कर दो। वो बांग्लादेश को उनके घर में पीट के आ रही है, अभी श्रीलंका को उनके घर में टक्कर दी थी अफगानिस्तान, और 100 मार रहे थे। रहमानुल्लाह गुरबाज ने मजाक बना दिया था उनके बॉलर्स का। ये टीम अगर 150-200 रन पर, मतलब आपको पता है कि किस तरीके से अटैक करती है, तो आपको नहीं पता कि इस टीम को आप कितने पर बंडल आउट करो आपके लिए सेफ होगा। हारिस रॉफ एट इज एम्पीरियस बेस्ट। पाकिस्तान की इस बॉलिंग यूनिट ने इंग्लैंड को 130-140 क्या रन थे 2022 वर्ल्ड कप फाइनल। बेन स्टोक्स को वहां पर बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कॉशियस होकर खेलना पड़ा। मैं चाहता हूं भाई, हमारे देश में इतना टैलेंट है, इंडिया में भी हारिस रॉफ हैं, इंडिया में भी शाहीन है, इंडिया में नसीम है, वो उनका टैलेंट हंट करवाओ। टैलेंट भाई, पैसा, गरीबी, अमीरी नहीं देखता। चाहे हारिस की बात करें, चाहे नसीम की बात करें, चाहे शाहीन की बात करें, वहां पर सदाब उनके पास है, उसामा मीर उनके पास है। हमारे वाले को लगता है कि भाई आप यूजी और कुलदीप को नहीं खिला सकते, तो दोनों को खिला रहे हो, उसामा को भी, सदाब को भी। जो ये बॉलिंग कैपेबल है करने के लिए, जैसे कि हमने बिल्कुल भी रूल आउट नहीं करा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स ये मैच निकालते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और वैसे ही हुआ है। हारिस रॉफ की 150 किलोमीटर रफ्तार से, और डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस आई हैव सीन। दोस्तों, दूसरा वनडे पाकिस्तान ने सनस ली है, इस मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को शिकस्त दी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 1 विकेट से हराया। आखिरी लम्हात में नसीम शाह ने एक बार फिर विनिंग इनिंग्स खेली, उन्होंने 10 कीमती रन बनाए और फतह अफगानिस्तान के हाथों से छीन ली। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें।